हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू अनदर वीडियो. आज है वीकेंड और ट्यूसडे को हमारे यहाँ हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं. बहुत फॉर्मल गेस्ट्स नहीं है, पर थोड़े यहाँ वहाँ प्रिपरेशंस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा वो सभी मैं रिकॉर्ड करके रखूँ, आप सभी से शेयर करूँगी. हमारे ये गेस्ट 2 दिनों के लिए आ रहे थे रहने के लिए, और शादी से पहले तो मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेती थी. अभी धीरे धीरे ये सब करना शुरू किया है, तो मेरे लिए भी ये नया है. बट अभी थोड़ा करते करते थोड़ा समझ में आया है. 2 दिन पहले से आप थोड़ा मील वगैरह के प्रिपरेशंस करके रख देते हैं, थोड़ा घर वगैरह ऊपर से टाइडी अप कर देते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है. और यहाँ पे मैं बाहर बैठकर ग्रॉसरी सभी जो लाने का है वो सब नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि अकीब जाकर वो सामान ले आए. और जो जो करने का है वो भी थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊँ. इस तरह से मुझे लगता है थोड़ा टाइम सेविंग होता है, सब एक साथ आपको मिल जाता है और एक आइडिया रहता है ना, कौन सा सामान है या फिर कौन सा क्या क्या करना बाकी है. ग्रॉसरी सभी जब तक आ जाए तब तक थोड़ा ऊपर ऊपर डस्टिंग कर रही हूँ. यहाँ पे बहुत मतलब ये डस्ट जमा होते हैं सामान के ऊपर ना, तो ऊपर ऊपर वो थोड़ा डस्ट कर रही हूँ. और बच्चों के सामान पूरा लिविंग रूम पे भरे हुए रहते हैं, वो सब थोड़ा अंदर कर रही हूँ. ऐसे तो पूरा घर साफ़ नहीं कर सकते, जो जो भी मेन एरियाज है वो सब थोड़ा लिविंग रूम या फिर बाथरूम हो गया और ये गेस्ट बेडरूम हो गया, वो सब थोड़ा ऊपर ऊपर साफ़ कर रही हूँ. अच्छा, हम सभी मिला के ऑलमोस्ट एक 13-14 मेंबर्स होने वाले थे हमारे फैमिली को भी जोड़ के. तो बेडिंग वगैरह का अरेंजमेंट नहीं किया. हमारे बेड के साइड पे वैसे भी ना एक्स्ट्रा बेडिंग रख देते हैं. अलाया एक बार जब छोटी थी तब गिर गई थी, तब से वो बेडिंग वही रहता है. और क्योंकि फ्रेंड्स ही है तो मैंने सोचा एडजस्ट कर लेंगे. अभी तक बेडिंग वगैरह का मैंने कैसे अरेंजमेंट करना है वो नहीं सोचा है. वैसे जो एक्स्ट्रा बेडिंग है वो सब निकाले हुए, तो वो सब जब वो आ जाएंगे उसके बाद अरेंज कर लेंगे. और ये थोड़ा लिविंग रूम का डस्टिंग वगैरह हो गया. और हमारी जो हाउस हेल्प अक्का है ना, उन्होंने बाथरूम वगैरह उन्होंने साफ़ कर दिया था. और ये हमारा जो आप डाइनिंग देख रहे हो, ये यहाँ पे दोनों बच्चे ना थोड़ा कफ कोल्ड था ये एक हफ्ते, तो उनके सारे मेडिसिन्स यहीं पे है, तो वो सब मैं हटा रही हूँ. आपके घर पे भी ऐसा होता है क्या डाइनिंग पे? हमारा डाइनिंग पे हम खाना तो बहुत कम खाते हैं, बट बाकी सब ये देखिए सारा मेडिसिन्स वगैरह वहीं पर है. और अलाया अभी क्योंकि अभी थोड़ा चलने लगी है ना, तो ग्लास के जो जो सामान है जो हमें लगता है वो नीचे फेंक के तोड़ देगी, वो उठाकर डाइनिंग पे रख देते हैं. थोड़ा मतलब हाइट है ना, तो वहाँ नहीं पहुँच पाती है. मेरी जो बड़ी बेटी अलीज़े है ना, वो कुछ भी सामान नहीं तोड़ती थी. जब वो छोटी भी थी ना, वॉल सभी कुछ भी नहीं लिखती थी. उसके वक्त तो टीवी भी नीचे रहता था, लाइक वॉल पे माउंट नहीं किया हुआ था, फिर भी कुछ नहीं हुआ. बट अलाया तो सारा सब सामान लेकर बस नीचे फेंकती है, वॉल पे लिखती है. पता नहीं लाइक कितने दिनों तक और ऐसे देख देख के रखना पड़ेगा. ग्लास का सामान वगैरह बहुत ध्यान से रखना होता है. यूजुअल डेज पे ये कलर वाला टेबल क्लॉथ ही रहता है, ताकि जल्दी गंदा ना हो. अभी ये धोने के लिए रख रही हूँ, और एक बार ये सूख जाए तो जब गेस्ट्स आएंगे उसके बाद मैं थोड़ा लाइट कलर्ड वाला वो टेबल क्लॉथ ऊपर डालूँगी. यहाँ सब फ्लोरल फ्लोरल वो भी अच्छा नहीं लग रहा है ना. और ये देखिए मौसम भी कितना अच्छा होकर रखा है ना. और ये हमारा ग्रॉसरी सभी आ गया है, तो हम धीरे धीरे मील प्रेप शुरू करते हैं. तो खाने में बहुत सारा एलोबोरेट नहीं रख के, थोड़ा सिंपल डिशेस थोड़े से ही रख रहे, थोड़े वेज डिशेस, थोड़े नॉन वेज डिशेस. वैसे ये बटर चिकन के लिए ये चिकन प्रेप करके रख रहे थे, बट लेटर मेन्यू थोड़ा चेंज हुआ, वो आप नेक्स्ट व्लॉग पे देखोगे. ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए इस पर सिर्फ वो प्रेप जो जो है वो सब मैं दिखा रही हूँ, इंक्लूड कर रही हूँ. क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का ये फास्टिंग वाला महीना चल रहा था, तो थोड़े वेज डिशेस बन रहे थे. यहाँ पे मैं अलाया को थोड़ा उसका खाना खिलाकर उसको चेंज करके रख रही हूँ, ताकि वो खाना खा के फिर जब खेलते खेलते थक जाए तो उसको जाके मैं सुला लूँगी. इससे क्या होता है वो दिक्कत नहीं देती है, हम अपना मतलब उसको पहले खिलाकर उसको सही कर देने से हम अपना फिर काम कर सकते हैं.
यहाँ पे चिकन को मैंने ना तंदूरी मसाला और जो हमारा टर्मरिक रेड चिल्ली सॉल्ट लेमन एक्सट्रैक्ट वो सभी से मैरिनेट करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे ये फ़िश लिया है मैंने, ये डिनर को फ्राई करने के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ, वही सब मसाला डालकर बस इस पर फ़िश मसाला ऐड किया है। मैं ये सब रेडी कर रही थी और जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सब भी करना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे अकीब लंच का देख रहे थे, लंच के लिए वो रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे है मटन, यहाँ पे लेमन एक्सट्रैक्ट और जो भी हमारा सॉल्ट टर्मरिक रेड चिली वो सभी डालकर बस ऐसे ही मैरिनेट करके रखा है। ये अकी बनाने वाले हैं, एक नया रेसिपी सीखे हैं, मटन निहारी वो ट्राई करने वाले हैं। और ये शवरमा के साथ जाने के लिए थोड़ा कुबूस के लिए रेडी कर रहे थे। यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, उस पर लुकवॉर्म जो मिल्क है वो लिया है और ईस्ट को थोड़ी देर घोल के रख दिया था 10 मिनट्स के लिए, वो डाल दिया है। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स करके और उसके ऊपर थोड़ा ये रिफाइंड ऑयल डाल के रख दे रहे। ये जिस दिन वो आने वाले थे उस दिन के प्रिपरेशंस है। ये कुछ शाम की क्लिप्स है, हमारे यहाँ पे ये क्रॉकरी यूनिट अलग से नहीं है तो ये जब यूज़ नहीं होता है ये प्लेट्स ग्लासेस सभी अंदर रखा हुआ रहता है, तो वो मैं पहले से निकाल के रख रही हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। इनको वॉश करके थोड़ा वाइप करके रख रही हूँ। ये एंड पे कुछ लाइट्स और कैंडल्स, आपका रूम बहुत टाइडी ना भी हो तो ये लाइट्स कैंडल्स ऐड करने से एक अलग सा ही वार्म्थ ऐड हो जाता है रूम पे। रूम अच्छा स्मेल करे तो एक वैसे भी अच्छा लगने लगता है ना। यहाँ पे ये थोड़ा डाइनिंग वाला एरिया थोड़ा ठीक कर रही हूँ, इस पर ये टेबल क्लॉथ डाल के बस इसके ऊपर ज़्यादा सामान नहीं रखना है, बाकी जो इसके ऊपर जो सामान थे वो सब मैंने हटा दिए। मेरा ये YouTube चैनल बहुत ही नया है, मैंने कुछ महीनों पहले ही ये शुरू किया है तो थोड़े बहुत जो चेंजेस मुझे लगते हैं करने से ठीक होगा वो मैं खुद ही कर ले रही हूँ, हालाँकि मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो मैंने इंग्लिश में शुरू किया था, अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि हम लोग घर पे ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं तो वो ज़्यादा नेचुरली आता है और मैं ज़्यादा बोल पाती हूँ, तो मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा बोल पाऊँगी आप सभी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी। आप मुझे बताना मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कुछ चेंजेस करने हो तो भी मुझे बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो पे, टिल देन बाय एंड टेक केयर।